Assalamualaikum, good morning and welcome back to my channel. तो आप देख रहे हैं कि सुबह सुबह मैं कहीं जा रही हूँ और थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि हम लोगों ने प्लान किया था पिकनिक. और क्योंकि यूके में समर्स आ चुके हैं और मौसम काफ़ी अच्छा होता है, सूरज निकलता है और अच्छा मज़े का मौसम होता है कि आपका दिल चाहता है कि बाहर निकलें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें. हमने भी प्लान किया कि चलें बीच पे चलते हैं. अब तक मैं किसी बीच पे गई नहीं थी, तो बीच पे तो हम गए जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी. लेकिन जब हम बीच पे पहुँचे तो आपकी बहन को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई. तो ये डिसअपॉइंटमेंट मुझे क्यों हुई, इसको जाके आगे डिस्कस करते हैं. सुबह सुबह मैं जाग गई थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि जाने से पहले मैं सारे काम निपटा के जाऊँ ताकि रात में जब मैं देर से थकी भी वापस आऊँ तो मेरे पास कोई काम रखा हुआ ना हो. तो खैर मैं जल्दी उठ गई थी, नाश्ता बनाया, साथ में हमारा सैंडविचेस लेके जाने का प्लान था तो सैंडविचेस बनाए, उसके बाद बर्तन वगैरह धोए और उसके बाद तैयार हुई और फिर हम निकल गए. हमें जाना था ब्रिस्टल, वहाँ से जो है सिस्टर इन लॉ और उनकी फैमिली के साथ जाना था. तो आगे जाने में भी हमें 1.5 घंटा लगा. तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, खाना पीना जो है ना हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है. डिसअपॉइंटमेंट थी वो ये थी कि यहाँ पर बीच तो था लेकिन बीच पे पानी नहीं था. दूर दूर तक जो है ना बीच बिल्कुल खुश्क था. मुझे आइडिया है कि समंदर कभी कभी पीछे चला जाता है, मतलब समंदर में पानी कभी कभी बहुत पीछे होता है या हाई टाइड्स नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ दूर दूर तक पानी नज़र ही नहीं आया. मतलब बीच था, आपको बीच वाली वाइब मिल रही है लेकिन एक वो जो पानी देखना होता है, वो साउंड होता है, पानी को फील करना, टाइड्स देखना, वो वाली चीज़ नहीं थी. तो वहाँ पे जो है ना मेरी जो एक्साइटमेंट है ना वो थोड़ी सी लो हुई थी. लेकिन फिर जाहिर सी बात है फैमिली के साथ जब आप जाते हैं तो वो भी एक अलग इंजॉयमेंट होती है, साथ बैठ के खाना, साथ बैठ के बातें करना, इंजॉय करना, वॉक करना. तो खैर हम लोग थोड़ा टाइम बीच पर रुके, हमने खाना पीना किया, वॉक की, पिक्चर्स वगैरह बनाई और उसके बाद जो है हम यहाँ पर वापस आए बच्चों को कुछ गेम्स वगैरह खेलनी. तो यहाँ पर गेम्स वगैरह मैंने तो इतनी ज़्यादा नहीं खेली. खैर फिर उसके बाद जो है कुछ गेम्स अच्छी थी. उसके बाद जो है हम लोग जल्दी वापस आ गए थे और फिर हम लोग बाहर बैठे, थोड़ा व्यू इन्जॉय किया, फ्राइज़ खाए, आइसक्रीम वगैरह चल रही थी. तो बस इस तरह से हमारा एक बहुत अच्छा दिन गुजरा. काफ़ी रात को देर से हम वापस आए थे, तकरीबन वहाँ से निकलते निकलते हमें 11:30 हो गए थे. तो जाहिर सी बात है घर पहुँचते पहुँचते भी टाइम हो गया. तो यहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट डे का व्लॉग. और आज मैं काफ़ी लेट जागी हूँ, हस्बैंड जो है वो जा चुके हैं, मुझे सिर्फ अपना नाश्ता बनाना था. तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था कोई ऐसा नाश्ता करने का, तो मैंने सिर्फ एक कप चाय बनाया. तो साथ में रखे हुए थे केक, तो मैंने सोचा कि चलें आज जो है नाश्ता हम केक से करते हैं. तो बस यहाँ पर जो है मेरी चाय ऑलमोस्ट रेडी है, साथ में जो है सुबह सुबह कुछ फ्रूट्स वगैरह भी चल रहे हैं क्योंकि कुछ हेल्दी खाना भी ज़रूरी है. तो चाय मेरी रेडी हो चुकी है, चाय लेके मैं आ चुकी हूँ लिविंग रूम में, एंजॉय करूँगी अपनी चाय, सुबह का नाश्ता और साथ में मैं देखती हूँ टीवी. तो टीवी पे आजकल जो है, वैसे तो ज़्यादातर यूट्यूब पे व्लॉग्स वगैरह ही देख रही होती हूँ मैं, लेकिन यह है कि आजकल मैं ये ड्रामा भी देख रही हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और सजल अली का ड्रामा हो तो आप कैसे मिस कर सकते हैं, क्योंकि ड्रामा अच्छा ही होता है. तो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर फॉलो करें, बहुत अच्छा ड्रामा है. जो इस तरह से ड्रामे बनाए जाते हैं ना, इस प्रोडक्शन के ड्रामे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. तो खैर फाइनली ड्रामा देखने के बाद मैं थोड़ा फ्रेश हो गई, चेंज करके यहाँ पर जो है अब मैं किचन में आ चुकी हूँ और आंटी के लिए रोटी बना रही हूँ. वैसे तो मेरा प्लान है कि आज मैं पुलाव बनाऊँगी और कल हमने बनाए थे चपली कबाब. तो मैंने सोचा कि चलें पुलाव और चपली कबाब दोनों सर्व कर दूंगी. और लेकिन उससे पहले मैं आंटी के लिए रोटी बना रही हूँ, वो रोटी खाएंगी. तो पुलाव की रेसिपी क्योंकि मैं आपसे बहुत बार पहले शेयर कर चुकी हूँ, तो इस बार मैंने सोचा बेसिकली मैं अपना जो पाकिस्तान से बैग लाई थी
वो मुझे ज़रूरत थी तो वो मैंने निकाला, उसमें से चीज़ें निकाल रही थी तो मुझे उसमें से जो है ना अपनी डायरी के दो पेजेस मिले जो कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपसे शेयर करने चाहिए। जिस इवेंट की मैं बात कर रही हूँ, इस इवेंट का नाम था हार्मनी विद इन, जो कि लाइफ दीन ने करवाया था और बहुत ही बेहतरीन इवेंट था। और उसमें एक स्पीकर थी उस्ताजा आयशा आमिर, और कोई 20-25 मिनट का उनका वो सेशन था, लेकिन बहुत बेहतरीन था। और उनके जो उस सेशन का नाम था वो ये था कि हाउ टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट, अगर आपका किसी के साथ किसी भी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको डील किस तरह से करना चाहिए। तो मैंने उसको नोट डाउन कर लिया था क्योंकि वो एक ऐसा सेशन था कि मतलब हम लोगों ने जो है ना वो 20-25 मिनट जो है ना इतना, मतलब वो कहते हैं ना बगैर पलक छिपकाए सुनना, तो ऐसी वाली सिचुएशन थी। हमने जो है ना वो सेशन बैठ के ऐसे सुना था। तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपका जो थिंकिंग प्रोसेस होता है ना वो बिल्कुल जो है ना चेंज कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो उन्होंने हमें एक चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं, जितने भी मामलात होते हैं आपके साथ, वो बेसिकली एक ट्रायंगल की सूरत में होते हैं। यानी कि उसमें तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक आप हो गए, एक आपका अपोनेंट हो सकता है किसी भी तरह के मामले में, और तीसरा एक जो हम बहुत मेन एंगल है जो हम अक्सर जो है ना अपनी लाइफ में भूल जाते हैं, और उसकी वजह से जो है ना अक्सर हमें चीज़ों की जो डीलिंग होती है वो मुश्किल हो जाती है, और वो है अल्लाह सुबहानहू ताला की ज़ात। अगर आप अपने मामलात में इन तीन एंगल्स को देख के जो है ना डीलिंग करेंगे, आपके लिए जो है ना उन एंगल्स को डील करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल को देखते हुए उन्होंने हमें बताया कि जो भी आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई आपके साथ ज्यादती करता है, उसमें जो है ना आपने तीन चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। एक तो ये है कि ये अल्लाह ताला का डिज़ाइन है, कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ को ऐसे ही आपके लिए जो है ना डिज़ाइन किया था, ये आपके साथ होना था। यानी किसी ने आपके साथ ज्यादती कर दी, कोई भी किसी भी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो ये अल्लाह ताला का डिज़ाइन था। दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला टेस्ट कर रहा है आप दोनों को, यानी आपको और आपके ओपोनेंट को। तीसरी चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ आई शुड रिस्पॉन्ड, यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि जब इस तरह की कोई चीज़, कोई मामला आपके साथ हो जाता है तो आप सामने वाले का जो रिस्पॉन्स होता है या जिस तरह से वो बिहेवियर होता है उसका, उसको तो आप जज कर रहे होते हैं, लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि मैं किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ या मुझे किस तरह से बिहेव करना चाहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप देखें कि आपको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है कि शैतान जो होता है वो जो मज़लूम होता है, यानी जिसके साथ ज़्यादती हो रही होती है, उसको जो है वर्चुअस गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है। अब वर्चुअस गुस्सा क्या होता है? वर्चुअस गुस्सा का मतलब ये है कि आपका गुस्सा करना वैलिड है, आपका जो है बदला लेना वैलिड है, आपका फाइट बैक करना वैलिड है। अब मैं फाइट बैक करने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसको जो है ना आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस तरह से रिस्पॉन्ड बैक करना है और प्रॉपर तरीका क्या है रिस्पॉन्ड बैक करने। तो आपको अपने माइंड में ये रखना है कि शैतान आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर एक हदीस है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने गजब को रोक लिया जबकि वो कादिर था कि वो बदला ले ले, अल्लाह ताला उस इंसान को कयामत के दिन चॉइस देगा कि वो जिस दर्जे पर चाहे आयस हो जाए। तो जब आपको गुस्सा आ रहा हो और आप बदला भी ले सकते हो और आपके पास हर तरह की ताकत, हर तरह की पावर मौजूद हो कि आप जो है ना अपने उस मामले के या उस ज्यादती के अगेंस्ट बदला ले सकते हैं, लेकिन आप बदला नहीं लेते और उसे छोड़ देते हैं या माफ़ कर देते हैं, तो फिर अल्लाह ताला कयामत के दिन आपको ये आयस देंगे कि आप अपनी मर्जी के जो है ना दर्जे पर जा सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि हम बात करते हैं कि इस्लाम बहुत प्रैक्टिकल दीन है, अच्छा तो इस्लाम की प्रैक्टिकलिटी की बात हो रही थी यहाँ पर, तो मैं बहुत ही जो है ना शॉर्ट सा चार पॉइंट में बताऊंगी। एक्शन पॉइंट है सूरह शूरा की आयत नंबर 40 है, वहाँ से जो है ना चार एक्शन पॉइंट हमें बताए गए हैं, और वो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके साथ कोई ज्यादती करता है, कोई बुराई करता है, तो यू आर अलाउड कि आप बराबर का बदला ले लें, यानी कि इविल वर्सेस इविल, जीरो क्रेडिट, ठीक है। लेकिन सोशल डीलिंग्स में अक्सर ये मामला होता है कि आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बराबर का बदला होगा क्या। समटाइम्स ऐसा होता है कि बराबर का बदला लेते लेते आप ज़्यादती वाली साइड पे चले जाते। दूसरा ये है कि आपने माफ़ कर दिया, आपने माफ़ कर दिया लेकिन वो ऊपर ऊपर से माफ़ किया और मामले को ख़त्म नहीं किया, यानी कि आपको इसका पार्शियल क्रेडिट मिलेगा और वो जो मामला है वो मुअल्लिक हो जाएगा, होल्ड रहेगा कयामत। तीसरा है कि आपने इस्लाह कर दी और आपने पूरी कोशिश की कि जो भी आपके रिलेशनशिप्स थे उनको मेंड किया जाए, जो भी ब्रोकन ब्रिजेस हैं उनको जो है ना दोबारा से बनाने की कोशिश की जाए और
ऐसे में आपको जो है ना फुल क्रेडिट मिलेगा, पूरा पूरा अजर मिलेगा। अच्छा लास्ट ये होता है कि आपने बदला तो लिया लेकिन आप मजलूम से जालिम बन गए, और उसका जाहिर सी बात है क़यामत के दिन आपसे जो है ना पूरा पूरा बदला लिया जाएगा, क्योंकि जुल्म और ज्यादती इस्लाम में बिल्कुल भी ऑफ नहीं की जाएगी, ठीक है। और अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। और जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं ना, तो आप इवेंचुअली आप अपने लिए ही जो है ना पीस फुल सिचुएशंस क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बस यही था जो मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। हो सकता है किसी की कोई मुश्किल आसान हो जाए और किसी को जो है ना सोचने का एक और अंदाज, एक और तरीका मिल जाए। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। साहब मेरा देखें पुलाव भी मज़ेदार रेडी हो चुका है, साथ में कचूमर सैलड भी रेडी है। मैं इसको निकालती हूँ, सर्व करती हूँ, मेरा मज़ेदार खाना रेडी है। और जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं उस पर सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि हमारे बहुत सारे मामलात होते हैं जिन पे जो है हम सोच के रिएक्ट नहीं करते हैं, और जिस तरह से इस्लाम ने हमें सिखाया है उस तरह से हम चीज़ों को देखते हुए चीज़ें डील नहीं करते हैं। एक और चीज़ है कि लोगों को वैसे डील ना किया जाए जैसे वो करते हैं, बल्कि वैसे करें जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो यकीन माने कि आपके लिए जो है ना ज़िंदगी के मामलात बहुत आसान हो जाएंगे और आप अपनी लाइफ में उसके सिग्निफिकेंट और पॉजिटिव रिजल्ट्स देखेंगे। आप क्या सोचते हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये था व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट में। अल्लाह हाफिज़।